हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिटकॉइन का प्राइस अभी क्या है और बिटकॉइन का प्राइस इतना ज्यादा नीचे क्यों जा रहा है और क्या बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा या बिटकॉइन का मार्केट आज कैसा है। ये भी बात करेंगे कि और भी जो टॉप 10 के अल्टरनेटिव कॉइन है उनका भी हालचाल कैसा है और साथ में हम दोस्तों खास बात करेंगे शिबा इनू कॉइन को लेकर, जिसको कि हमने खुद ही हमने बाय किया है कल के डेट में 30,000 रुपए का। जी हाँ दोस्तों, सीरियस होकर वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि क्या बिटकॉइन का प्राइस $1,00,000 तक जा सकता है। चलिए आइए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बिटकॉइन की बात करें तो $38,000 पे ट्रेड हो रहा है दोस्तों, जो कि ये 5% तक का भी गिरावट ले चुका है और 7 डे में बात करें तो 2.46% ये माइनस में चल रहा है। दोस्तों ये माइनस अभी कुछ समय के लिए रहेगा, उसके बाद में अभी ये किस तरह से आगे बढ़ेगा उसको हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर पे इथेरियम की बात करें तो $2,600 के लगभग चल रहा है। यूएसडीटी की बात करें तो $1 जो कि कांस्टेंट रहता है दोस्तों। बीएनबी की बात करें तो $363 के लगभग है। पांचवें नंबर पे यूएसडी क्वाइन जो कि 0.99 लगभग $1 के लगभग ट्रेड कर रहा है। XRP की बात करें तो $0.72 के लगभग ट्रेड कर रहा है। कार्डेनो ADA $0.86 के लगभग ट्रेड कर रहा है। लूना $74.18 के लगभग में ट्रेड कर रहा है। नौवे नंबर पे बात करते हैं सोलाना की, तो ये भी 86.15% ट्रेड कर रहा है। अवाक्स जो कि दसवें नंबर पे आता है $75 का है। जी हाँ दोस्तों, ये अवाक्स बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा है पिछले दिनों में, जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है। और 11वें नंबर पे Binance USD है, 12वें नंबर पे Polkadot और 13वें नंबर पे डोज क्वाइन है। उसके बाद आप देख सकते हैं 14 नंबर पे टेरा है USDT और 15 नंबर पे है शिबा इनू, 16 नंबर पे है पॉलीगॉन मैटिक। दोस्तों अभी हम शिबा इनू की बात करें तो काफी अच्छा वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है, जो कि इसी वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि शिबा इनू का अभी क्या होने वाला है। यहाँ पे पॉलीगॉन की बात करें तो $1.46 के लगभग में ट्रेड कर रहा है। तो चलिए आइए अब जानते हैं कि क्या हमें एंट्री अभी लेनी चाहिए या फिर हमें कब एंट्री लेनी चाहिए और हमें कब एग्जिट कर देना चाहिए, मतलब कि हमको कब खरीदना चाहिए कब बेचना चाहिए, आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि बिटकॉइन के प्राइस में इतना ज्यादा गिरावट होने का कोई खास कारण है तो वो कौन सा है। तो वो खास कारण है दोस्तों यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वार हुआ है, जहां पे काफी सारे लोगों की मौत हो गई है और कई सारे लोग यहां पे घायल भी हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा रीजन बना है बिटकॉइन के प्राइस को अभी करंट में कुछ सप्ताह पहले गिराने के लिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो अभी लगभग 5% की गिरावट अभी देखने को मिली है और पिछले सप्ताह की बात करें तो लगभग ये 15% की गिरावट ये ले चुका है और अभी करंट में $37,000 के लगभग में, अभी 37 से 38,000 के डॉलर में ये ट्रेड हो रहा है। अभी आप करंट में यहाँ पे देख रहे हैं $38,000 $37,000 ऊपर नीचे चल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसे मार्केट में आपको घबराने की बजाय आपको सब्र करना चाहिए, आपको पैसेंस बना के रखना चाहिए, मार्केट का इंतजार करना चाहिए। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमने जो भी अमाउंट से बाय किया था उस अमाउंट से अगर बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है तो हमें पैसेंस बनाकर, इन्वेस्टर बनकर हमें पैसेंस बना के वेट करना चाहिए कब मार्केट ऊपर जाएगा। दोस्तों जब आप किसी भी क्वाइन में 3 से 4 गुना का प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं तो आप मार्केट को एग्जिट कर लिया करें और उसके बाद में जितना आपका पोर्टफोलियो में अमाउंट होता है उसका 50% आप इन्वेस्ट कर दें, जिससे कि आपका जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट रहा है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट स्टार्टिंग कर रहा है, वो आपका रिटर्न हो जाए और आप बेफिक्र होकर ट्रेड करें। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि क्या बिटकॉइन का प्राइस $1,00,000 तक जाएगा। दोस्तों काफी गजब की बात है ये तो, $1,00,000 तक जाने वाली। बहुत से एनालिसिस का कहना है और एक्सपर्ट का कहना है कि बिटकॉइन का प्राइस 2020 में, मतलब कि इसी साल के अंत में $1,00,000 भी जा सकता है और कुछ लोगों का यहीं पे कहना है कि ये $4,00,000 तक भी जा सकता है। दोस्तों लेकिन आने वाले समय में हम खुद देख सकते हैं कि कितना ऊपर जा सकता है। अगर आप चाहें तो हमारा पिछला वीडियो आप जरूर देख सकते हैं जिसमें हमने बताया था कि $10,000 जाएगा। जिस टाइम पे इसका प्राइस $2,000 से $3,000 रहा है उस टाइम हमने कहा था $10,000 जाएगा, तो कुछ लोग बोले थे कि ये तो बकवास कर रहा है। बट पैसेंस बना के रखिए, देखते जाइए मार्केट क्या होता है, आने वाला टाइम आपको जरूर दिखाएगा। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं बहुत अच्छा यहाँ पे अभी मार्केट उठने का प्रयास कर रहा है दोस्तों, और पिछले काफी वीडियो में हमने ये बताया भी है। तो कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि $1,00,000 जरूर जाएगा और कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि ये $4,00,000 भी जाएगा, और आने वाला टाइम आपको भी जरूर बताएगा और हमको भी जरूर बता देगा कि ये $4,00,000 या $40,00,000 भी जा सकता है। तो दोस्तों उसको देखने के लिए आपको करना होगा इंतजार, और इंतजार करने के लिए आपको सब्र करके इंतजार करना होगा, घबरा के इंतजार नहीं।
तो प्रॉफिट अगर चाहते हैं तो आप अगर शॉर्ट टर्म में चाहते हैं तो भी हमारे चैनल पे आप बने रहिए, अगर आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट चाहते हैं तो भी बने रहिए। बहुत ही शानदार तरीके से आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं उसके थ्रू। तो दोस्तों अगर आप अभी एंट्री करना चाहते हैं बिटकॉइन या फिर कोई भी अल्टरनेटिव क्वाइन में तो ये सही मौका हो सकता है, क्योंकि ये मार्केट अभी जो उठना शुरू हो चुका है तो यहाँ से ये बड़ा पंप दिखाने वाला है। दोस्तों हम फ्री में आपको एडवाइस दे रहे हैं, इसका मतलब आप ये मत समझना कि ये कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल नहीं। आपको हम जो एडवाइस दे रहे हैं ये लाखों करोड़ों रुपए का एडवाइस है, इसको आप चाहे तो फ्री समझें या तो आप वैल्यूएबल समझें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों अभी मार्केट बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिखाएगा और आप उसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तो देरी नहीं कीजिए। अगर आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना तो आप अपने सोच समझ का अच्छी तरह से इस्तेमाल करें और आप छोटा मोटा अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर बड़ा अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं या फिर कितना लॉस भी आप कवर कर सकते हैं, तो ये दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं शिबा इनू कॉइन को लेकर, जो कि हमने पिछले वीडियो में ये भी हमने शेयर किया था कि हमने 30,000 रुपए का शिबा इनू कॉइन को बाय किया है। दोस्तों अभी भी समय है, अगर आप चाहते हैं तो शिबा इनू में आप एंट्री ले सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 30,000 का जब मैंने बाय किया हुआ है, दिखाया है आप लोगों को, उसके बाद उसी वीडियो में मैंने बताया था कि प्राइस और भी आ सकता है तो आप और नीचे में जाके भी बाय कर सकते हैं, तो उसके बाद भी मैंने 1,00,000 रुपए का और भी बाय कर लिया दोस्तों। तो आप अगर चाहते हैं तो एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि शिबा इनू का अब मौसम बन रहा है और ये बहुत बड़ा पंप दिखाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल रियल और फैक्ट बात को बता रहा हूं, जैसा कि मैंने रिसर्च किया है, जैसे मैंने एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि शिबा इनू का बहुत बड़ा पंप आने वाला है। दोस्तों शिबा इनू का करंट प्राइस की बात करें तो 0.0003298 के लगभग चल रहा है दोस्तों, और आप यहां पे देख सकते हैं मार्केट अभी बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाने वाला है। आप यहां पे देखें तो RSI, जैसे कि पिछले वीडियो में हम बताए भी हैं, RSI अभी रेडी हो रहा है, MACD को आप देखें तो वो भी रेडी हो रहा है। आप यहां पे इसको अगर जूम करके देखना चाहेंगे तो जूम करके भी देख सकते हैं, और जूम करके देखने में ही अच्छे से समझ में आता है। अभी आप यहां पे देख सकते हैं काफी ज्यादा सेल आउट हुआ है दोस्तों, सेल आउट होने के बाद में मार्केट थोड़ा बहुत तो नीचे आएगा ही आएगा, तो लोग तो इस मार्केट को लेकर परेशान हो जाते हैं कि सर नीचे आ रहा है, सर आपने तो कहा था कि ऊपर जाएगा तो नीचे क्यों आ रहा है भाई। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये मार्केट है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे आएगा ही, ऐसा नहीं है कि जैसा कि मैंने वीडियो में बोला और वीडियो डालते ही पंप होना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता है। अगर आप सही तरीके से आप ट्रेड करना चाहते हैं या फिर आप सही तरीके से सीखकर आप सही तरीके से प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो कैंडल को जरूर समझें। यहाँ पे आप अभी देख सकते हैं करंट में RSI नीचे है, बहुत ज्यादा नीचे है, 40 से लगभग में चल रहा है, जो कि कांस्टेंट काफी दिनों से चल रहा है ये। अगर आप यहाँ पे देखें तो देख सकते हैं इसमें कोई खास बदलाव नहीं दिख रहा है, कोई खास टाइप का इसमें कोई बहुत बड़ा ऊपर नीचे नहीं दिख रहा है, देखें तो लगभग कांस्टेंट होके ही चल रहा है ये वन डे के अकॉर्डिंग। अब हम वन हावर्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं, जो कि अभी करंट में मार्केट कौन सा रूप में है, तो आप यहां पे देख सकते हैं अभी करंट में मार्केट जो है ग्रीन है, और जो कि और कम समय का देखना चाहते हैं, अभी 15 मिनट का देखना चाहते हैं तो 15 मिनट में क्लिक कर देते हैं और उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं। तो अभी देखें तो 15 मिनट का जो कैंडल क्रिएट हो रहा है दोस्तों, तो यहां पे आप देख सकते हैं 15 मिनट का जो कैंडल है, ये देखिए ये 15 मिनट का जो कैंडल क्रिएट हो रहा है, ये जो ग्रीन कलर का बन रहा है, यही ग्रीन कलर का कैंडल ही अभी 15-15 मिनट का चार्ट हो बन रहा है, वही चारों को आप मिला दो एक घंटे का बन जाएगा। तो इस तरह से अगर आप अपना कॉमन सेंस भी यूज करेंगे तो आप आसानी से ट्रेड करना भी सीख जाएंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया भी था कि मार्केट बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाने वाला है, तो अभी कुछ लोगों का मेरे पास में कॉल भी आया हुआ था और बोल रहे थे कि सर मार्केट तो नीचे जा रहा है, कैसे करें हम सेल कर दे। दोस्तों सेल नहीं करना है, आपको वेट करना है मार्केट कब ऊपर जाएगा, तो इसके लिए आपको दिन भर आपको उसी में ध्यान लगा के नहीं रखना है, आपको अपना काम भी करना है। आपको अपडेट देने के लिए हम हैं, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आप नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिए, जिससे कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसमें आपको जो भी जानकारी दी जाएगी वो आप ले पाएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।